बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। महरीन के पकवान में वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता। इसको घिया भी बोलते हैं और दूधी भी बोलते हैं। तो इसका रायता बनाएंगे और उसमें हम ये चटनी डालेंगे। लहसुन है 2 जवे, 4 लाल मिर्चें हैं, गोल वाली हैं, ये काफ़ी तेज़ होती हैं। आधा टीस्पून जीरे का है, आधा टीस्पून नमक का है। वैसे तो ये हम आपको दिखाने के लिए रखा है हमने, लेकिन हम अपने यहाँ चटनी पीस के रखते हैं। आप लोग भी अगर ये चटनी पीस के और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में बिल्कुल पीछे रखेंगे तो ये 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। तो ये हम पीस के रखते हैं। और दही लेंगे 2 कप। और क्या डालेंगे इसमें बताते हैं अभी आप। ये देखें, इसमें बीज जो है ना बड़े नहीं हैं, बहुत कच्चे कच्चे बीज हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे। तो इसको हम नहीं निकालेंगे। अगर बीज मोटे हों और लौकी थोड़ी सी पक्की हो तो आप उसको, बीजों को निकाल दें। हम इस तरह से काट के बॉईल करेंगे इसको। अब ये देखिए, इसमें हमने पानी डाल दिया। पानी आप इतना डालें इसमें कि पूरा डूब जाए। और इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे गलने तक। अगर आपको लगता है पानी कम है तो आप और डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम इसको रखते हैं बॉईल करने। अब ये देखिए, इसमें बॉईल आ गया, पकने लगा। इसको हम ढक देंगे, मीडियम टू लो पे रखा है हमने 10 मिनट के लिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर 10 मिनट में नहीं गले तो आप और गला लीजिएगा। इसको सॉफ्ट गलाना है। अब ये देखिए, 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ढककर गलाया था तो जल्दी गल गया है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये पूरा डन करना है, यानी फुल इसको बॉईल करना है। ठीक है, अब हम इसको ठंडा करते हैं। अब इसको हम एक छन्नी में डाल के इस तरह से, आप चाहें तो इसको ठंडे पानी से भी थोड़ा सा इसके ऊपर डालें ठंडा पानी, लेकिन हम नहीं डालेंगे, हम इसको नॉर्मल ठंडा करेंगे। लेमन इसको हम मैश कर लेंगे। ग्राइंडर में ना करें, इसको मैश ही करें तो ज़्यादा अच्छा, या सिल पे पीसें। हम तो वैसे सिल पे पीसते हैं, लेकिन आप इस तरह से इसको मैश करें ताकि मोटा मोटा रहे। ये देखें किस तरह से ये मोटा मोटा हमने इसको मैश कर लिया। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप भी डाल सकते हैं, लौकी पे डिपेंड करता है। और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चटनी, ये जो हमने दिखाई थी आपको। और इसमें डालेंगे पुदीना, इसमें हरा धनिया नहीं जाएगा, पुदीना जाएगा। पुदीने से बहुत ही उम्दा इसका जायका आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें कुटा हुआ भुना हुआ जीरा। अब हम इसको करेंगे मिक्स। अब ये देखिए क्या ज़बरदस्त शक्ल निकल कर आई है इसकी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। हम जैसा अपने घर में बनाते हैं वैसे ही बनाया है हमने, और ये बहुत मज़े का है। नमक और मिर्ची जो है ये आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए
लौकी का रायता रेडी है खाने के लिए। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। हल्के फुल्की है, बहुत जल्दी हज़म हो जाती है। आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। बनाइए, खाइए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। Wow, yummy!